रुड़की एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि कुछ समय पहले आईएमएस कॉलेज करौंदी में 10 बंडल तार के चोरी किए गए थे। उन्होंने बताया कि समीर पुत्र प्रेम सिंह निवासी हायला थाना मुसरान जिला हाथरस उत्तर प्रदेश और संदीप पुत्र रमेश ग्राम गुडली जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर 10 बंडल एल्युमिनियम तार और 50,000 नगद रुपए बरामद किए हैं। जहां यह लोग काम किया करते थे, उनका मालिक शैलेंद्र जैन इनसे यह सारे काम कराया करता था। पुलिस ने मालिक शैलेंद्र के नाम पर भी धारा 120 में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन शैलेंद्र ने गिरफ्तारी जमानत ले ली है। क्राइम स्टोरी के लिए नसीम मलिक की रिपोर्ट। पिछले साल सितंबर के महीने में एक घटना हुई थी करौदी गांव में, जो कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। इस घटना में कई लोग शामिल थे, जिसमें सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन दो मुलजिम जो इसमें एक मुख्य आरोपी श्याम भी था, उसकी गिरफ्तारी शेष रह गई थी। उसको पुलिस के प्रयासों के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही एक और लड़का संदीप था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस घटना में शामिल सभी लोगों को